मांधाता विधानसभा मुंदी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बड़ी आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण व कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। लोकतंत्र की हत्या कर जनता व मतदाताओं की चुनी हुई सरकार को गिराने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मांधाता में होने वाले उपचुनाव में आम जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। इस दौरान बुलढाणा महाराष्ट्र विधायक राहुल बोंद्रे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव धर्म और अधर्म का चुनाव है। प्रदेश में खरीद फरोख्त की सरकार चल रही है, हमें बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। 28 लोग जो पार्टी से गद्दारी करके गए हैं, उनके लिए रुपया ही सब कुछ है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। युवा भी उत्तम पाल सिंह जी के साथ है। मोदी जी के शासन में किसान परेशान है, यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। अडानी और अंबानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाकर किसानों को बर्बाद कर रही है। इस चुनाव में किसान और दलित जो हाथरस की घटना हुई है, इस वजह से दोनों लोग भाजपा के खिलाफ हो गए हैं। आम जनता भी भाजपा के खिलाफ वोट करने वाली है। नारायण पटेल ने जो कल मंच से बोला था, वह उनके दिल की आवाज है, जो अब सच होने वाली है। हर आम मतदाता, हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है, इसका हिसाब जरूर लेना होगा। कांग्रेस को मजबूत कर घर घर जाकर कांग्रेस के समर्थन में वोट डालने की अपील करता हूं। सरकार थी तो कलेक्टर खेत खेत घूमती थी और उसके साथ पूरा प्रशासन घूमता था और सर्वे होता था, और जो राशि 25% उस समय उन्होंने दी थी, आज की जो बीमा राशि से कई गुना ज़्यादा थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी की सरकार है, इनकी रीति नीति हमेशा ये किसान विरोधी रहे हैं, किसानों के हित में इनने कभी काम नहीं किया है। हमारा एक ब्लॉक किल्लोद है, वो पूरा छोड़ दिया। कुनासा में जो है, जहाँ कमलनाथ जी की सरकार में लोगों को हजारों रुपए मिले, और अभी की परिस्थितियों में कहीं पे 10 रुपये, 12 रुपये, 500 रुपये, 1100 रुपये, तो भाई 1000 रुपये हेक्टर का तो आप प्रीमियम तो वसूल कर रहे हो और उससे भी कम आप उसको पैसे दे रहे हो। तो ये जो है, इनका कथनी और करनी अंतर है। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहला मुख्य मुद्दा यह तो हमारा यही है कि 2 लाख तक का, 1 लाख तक का माफ़ हो ही गया है, और दो लाख तक का जैसे सरकार बनेगी वो भी माफ़ करेंगे। तो कांग्रेस तो हमेशा ही किसानों के हित में काम किया है, गरीबों के हित में काम किया है, हरिजन आदिवासियों के हित में काम करने वाली पार्टी रही है। ये कहीं अंबानी अडानी की पार्टी नहीं है, यह उनके लिए काम नहीं करती, किसानों के लिए काम करती है। देश में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं और उस इलेक्शंस में ऑब्जर्वर करके मैं यहाँ पर आया हूँ। 28 जगह जो चुनाव हो रहा है, ये 28 लोग गद्दारी करके कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, और मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ लोग तो यही बोल रहे कि मैं इनके बारे में कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसी तरीके से बात इनके बारे में हो रही है। मांधाता में भी यही बात हो रही है। मांधाता में पिछली बार भी मैं चुनाव में ऑब्जर्वर करके आया था, तब कांग्रेस के लोगों ने नारायण पटेल को भारी मात्रा में मेहनत करके चुनवा के दिया था, लेकिन अब वो लोग काफ़ी नाराज़ है। गद्दार के साथ हम नहीं रहेंगे, यही कहकर लोग कांग्रेस के साथ ही है और वो कांग्रेस के से जुड़े रहना चाहते हैं। आज कांग्रेस ने युवा साथी उत्तम पाल इनको उम्मीदवारी दी है, तो मैं ये दावे के साथ कहूँगा कि युवा तो उनके साथ है, कांग्रेस भी पूरी उनके साथ है और आवाम जनता भी उनके साथ है, तो बहुत अच्छी मतदान से वो चुन के आएंगे। मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो स्वामीनाथन आयोग लागू करेगी, और उसके साथ ही जो भी खर्चा आता है उस खर्चे में उतना ही खर्चा जोड़कर, यानी उतना ही मुनाफा जोड़कर हम दुगना भाव देंगे, ऐसा कहा था। वो तो सब रह गया, लेकिन आज लगातार किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जो भी लोकसभा में या राज्यसभा में जो भी 3 बिल हुए हैं, जो कायदे हुए हैं, उसमें वो पूरे के पूरे किसान विरोधी है। आज पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, एमपी हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह किसान रास्ते पे उतरा हुआ है और इनके खिलाफ है। ये सरकार जो है, मोदी की सरकार हो या
यहाँ की मामा जी की सरकार हो, ये किसान विरोधी सरकार है, ये अंबानी और अदानी की सरकार है। तो इस तरीके से अंबानी अदानी जैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाकर ये किसानों को बर्बाद कर रही है और ये लोगों के समझ में अब आ रहा है। और इसलिए इस चुनाव में किसान और दलित जो हथरस की घटना हुई है, ये दोनों वजह से ये दोनों लोग और आम जनता भी बीजेपी के खिलाफ रहने वाली है और बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाली है। ये तो उन्होंने अपने दिल की बात कही है, जो उनके दिल में था वो बोल गए, वो गलती से बोल गए लेकिन दिल की बात बोल गए। और वो ये भी बोल गए कि जो आवाम की, जो जनता के दिल में है वहीं वो बोल गए और उनकी जो है वो भविष्यवाणी है वो सही उतरेगी, कांग्रेस ही यहाँ से जीतेगी। खंडवा से संवाददाता राम पवन नायक की रिपोर्ट।